आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने पोस्ट कोड 549 हमीरपुर बोर्ड के माध्यम से जो एक क्लरिकल का एग्जाम कराया था, इस एग्जाम के ऊपर, इस परीक्षा पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। चलो दोस्तों, देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ये कितने मार्क्स का था। ये 85 मार्क्स का पेपर था और 2 घंटे का था। इसमें जो टोटल क्वेश्चन थे वो जल्दी देख लेते हैं, 170 टोटल क्वेश्चन थे इसमें। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका, केन्या राष्ट्रपति चुनाव 2017 किसने जीता? ये उथरू कन्यता। दो, महेश्वरी चौहान किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। तीन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2017 की थीम क्या है? यूथ बिल्डिंग्स पीस। चार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये प्रसून जोशी। फिर आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा देश भर में कौन सा अभियान शुरू किया गया? गज यात्रा। 6, किस राज्य सरकार ने वृद्धजनों के लिए मोबाइल थेरेपी वैन आरंभ की है? यह बिहार सरकार ने। 7, एम वेंकैया नायडू ने भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, वो किस राज्य के रहने वाले? आंध्र प्रदेश। ये उस समय के जब ये पेपर हुआ था 2018 में तब का ये क्वेश्चन है जीके का, करंट अफेयर्स का। 8, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने नया जागरूकता अभियान नमोमी गंगे जागृति यात्रा आरंभ की है? उत्तर प्रदेश द्वारा। 9, भारत का प्रथम सूक्ष्म वन किस राज्य में निर्मित किया गया है? माइक्रो फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ये दीपक मिश्रा, वर्तमान में जो है अभी एनवी रमन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 11, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार। 12, भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? बेंगलुरु। 13, किस राज्य सरकार ने आधार ऑथेंटिकेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल आरंभ किया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। 14, भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए प्रमोशन और पोस्टिंग्स का पता लगाने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप विकसित की है? हमराज ऐप। 15, विश्व स्तनपान सप्ताह 2017 की जो थीम है इसका है ए सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर, ये इसका सही आंसर है। 16, हिमाचल प्रदेश का अक्षरक्ष अर्थ है हिमगच्छित पहाड़ों की भूमि। 17, प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियों किस नाम से ज्ञात करती थी? ये मानंग पर्वत। 18, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? आपका रोहतांग दर्रे से। 19, दुधो और पार्वती हिमनदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू में। 20, चोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? चोबिया जो दर्रा है ये चंबा और लाहौल के सीमा पर। 21, हंगरेंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है? ये किन्नौर में। 22, शिवपुरी जना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिरमौर। 23, सुखसर झील किसके समीप स्थित है? दीवालसर मंडी। 24, सेप्रून घाटी सोलन में। 25, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते? दास। 26, पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास यहाँ बिताया था, महासु। 27, किरात आर्य युद्ध में किरात राजा श्रम की सहायता किसने की थी? बेरिची। 28, कहलूर बिलासपुर का संस्थापक था बुंदेलखंड से। क्वेश्चन नंबर 29 है, ईस्वी 920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित की थी? यह है साहिल वर्मन। 30, कुलु वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहां से थी? प्रयाग। 31, एम के गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी और यहां ठहरे थे? शांति कुटीर ए। 32, धामी सत्याग्रह के नेता कौन था? भागमल सोटा। 33, जड़ पाया जाते हैं पांगी में। 34, शिमला का गेटी थिएटर इस वर्ष में खुला था 1887 में। 35, बकरमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? मंडी में। 36, अमृता शर्मा हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंध रखती है? शिमला से। 37, सूरज दी पहली किरण पुस्तक जो लिखी थी इनमें से किसी ने नहीं। 38, शैनन जलबूत जो शक्ति हाउस है वो जोगिंदर नगर में।
39 स्वामी विवेकानंद अस्पताल स्थित है पालमपुर में। 40 किस खिलाड़ी को हिमाचल प्रदेश हिमाचल एक्सप्रेस से जाना जाता है, यह टेकचंद भंडारी। 41 ज्वार भाटा आने का जो कारण है, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्व खिंचाव के कारण, ए इसका सही आंसर 42। एक रॉकेट किससे प्रणोदित होता है, यह आपका पलियानी तृप्त गैसों के बल से। 43 कार्बोहाइड्रेट है संजीवों के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत। 44 जेनेटिक अभियांत्रिकी का संबंध है संजीव प्राणियों के जीनों के रूपांतरण से। सी 45 बकरी के लिए गर्भ अवधि कितनी है, गर्भ की अवधि जो है वो कितनी, 150 दिन। 46 निम्न में से किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश के नीले रंग की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है जिसके कारण धूल कणों और जल वाष्पों के द्वारा परिक्रमण हो जाती हो सकती है लेकिन अन्य रंग नहीं, इसका है सी। 47 निम्न में से किस कारण पेट्रोल की आग को पानी के साथ नहीं बुझाया जा सकता, पेट्रोल की आग को पानी के पानी, इसका आ गया सी, पानी भरे होने के कारण फिसल जाता है और पेट्रोल स्थे पर आ जाता है और जलता है। 48 दूध खट्टा क्यों हो जाता है, दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में बदल जाना, हार्मोन और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए। 50 लैंड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, इकाव नारंगी में होता है विटामिन सी। 52 एक मायोपिक व्यक्ति नहीं देख सकता दूर की वस्तुओं को। 53 अर्थराइटिस एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण होता है। 54 टेटनस प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। 55 भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था, संविधान सभा द्वारा सी। 56 भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है, संसद। 56 भारतीय संविधान प्रदान करता है एक नागरिकता। 58 क्या मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है, हाँ। 59 भारतीय संविधान है कुछ मामलों में कठोर अन्य में लचीला, सी इसका सही आंसर है। 60 भारत में वित्त आयोग कितने बार निर्मित होता है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद। 61 भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी है, इन सभी से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। 62 भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है, संविधान के उल्लंघन के लिए। 63 भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। 64 क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, हाँ। 65 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। 66 यह भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है, राष्ट्रपति संसद के कानूनों द्वारा विनियमित। 67 योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। 68 निम्न में से कौन सी महिला भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी, सरोजनी नायडू। 69 राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, स्थायी निकाय है, स्थायी सदन है। 70 सामान्यत संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक। निःशब्द स्फीति है मद्दी के साथ स्फीति। 72 भारत के मुख्य आयात में शामिल है कच्चा माल। 73 भारत बजट विभाजित होता है राजस्व बजट और पूंजी बजट में, ए और बी दोनों, सी इसका सही आंसर है। 74 निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, उद्योग को प्रत्यक्ष ऋण देना। 75 निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती हैं, कॉफी और चाय। 76 निम्न में से किस साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता, सरकारी अनुदान। 77 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था, ये 1952 में। 78 है स्थानिक निकाय के लिए निम्न में से एक आय का मुख्य स्रोत है संपत्ति कर। 79 निम्न में से कौन सी फसल की खेती असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती, गन्ना। 80 जो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक यूटीआई का एक मुख्य कार्य है, छोटी बचतों को बढ़ावा देना,
81 किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? बेल्जियम को। 82 सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। 83 विवर्ष घाटी है भूमि जिसका मुख लंबा और संकीर्ण होता है। 84 नंदीमुख भूमि है वितरक नदियों के बीच की त्रिकोणीय आकार की भूमि ए। 85 सबसे छोटा दिवस है 22 दिसंबर। 86 इराक का पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया। 87 है राशिचक्र एक पट्टा है 12 नक्षत्रों का। कर्क संक्रांति होती है 88 जो क्वेश्चन है 21 जून को। 89 बर्फ की झोपड़ी जहां इस्किमो रहते हैं कहलाते हैं इग्लू। 90 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। 91 भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ है? हैदराबाद में। 92 दसयु कौन थे भारत के मूल निवासी? 93 बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुवनी। 90 पुनांदा विश्वविद्यालय कहां स्थित था? पटना के समीप। 95 दीन इलाही क्या था? अकबर द्वारा शुरू किए गए एक धार्मिक पद। 96 सर देशमुखी से क्या तात्पर्य है? एक कर। 97 रत्नावली किसने लिखी थी? हर्ष ने। 98 मोहम्मद गजनी द्वारा किस वर्ष सोमनाथ मंदिर लूटा गया था? 1025 में। राजा राम मोहन राय किससे संलग्नित नहीं थे? संस्कृत शिक्षा। 100 शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1945। 101 सिंधु घाटी की मोरे अधिकांश संभावित रूप से हैं संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती थी। 102 ब्राह्मण वो किताबें हैं जो सरोकार रखती हैं जादू टोनों से। बिंबिसार संबंधित था हरियक वंश से। 104 बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है आज्ञेवादी। 105 निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अपना शासन स्थापित किया था? विक्टोरिया रन यूनानी, विक्टोरियन यूनानी। 106 किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया? सूफी। 107 मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा? वो व्यवहारिक राजा नहीं था। 108 निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत में लाया गया था? सारंगी। 109 भारत का मुख्य मसाला उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है? मालवा। 110 मुगल काल के दौरान जमींदारी देश नहीं थी, भूमि का स्वामित्व। 111 हाथी दांत चित्रकारी एक विशिष्टता है अलवर शैली। 112 स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। थियोसोफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई? न्यूयॉर्क में। 114 कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बैठक हुई थी? 1885 में। 115 जो क्वेश्चन है अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी समाकर बंधु द्वारा। 116 निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को अलग करती है? विहित हिमालय पर्वत श्रेणी। 117 इलाइची पहाड़िया इस नाम से भी जानी जाती है पलानी पहाड़िया। 118 गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना। 119 पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है भूमध्य सागर पर। 120 इंडो गंगेटिक मैदान अधिकांशत बने हैं जलोढ़ मिट्टी के। 121 है जो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। 122 निम्न में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? चिल्का झील। 123 क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है? आर्द्रता। 124 निम्न में से भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे उच्च गुरुत्व बांध माना जाता है? बाखरा नंगल। 125 जूट उत्पादन में भारत की विश्व में स्थिति है प्रथम। 126 जो है पद हरित क्रांति से तात्पर्य है कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी डी। 127 हल्दिया आयन रिफाइनरी स्थित है पश्चिम बंगाल में। 128 आकाश गंगा अस्थिर है।
होते हैं दुश्मन की स्थिति ज्ञात करने के लिए। 130 वो उपकरण जिसमें बहुत आकृतियां बनती है कहलाता है पेरिस्कोप। 131 कौन सा अक्षरों का समूह अन्य से भिन्न है RTW। 32 जैसे अपराध संबंधित है न्यायालय से उसी प्रकार उसी तरह बीमारी संबंधित है हॉस्पिटल से। 133 किसी कूट में मूमेंट कुटित किया गया है OMOCPR तो थेरमो उसी कूट में कुटित किया गया है यह है VFGPOM। 134 यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए बिल्ली को शेर शेर को बेल बेल को मुर्गा और मुर्गे को हाथी तथा हाथी को गद्दा कहा जाए तो बताइए कि एक किसान किससे खेती करेगा मुर्गा। 135 एक से 26 के बीच की सभी संख्याएं जो तीन से विभाज्य हैं को आरोही क्रम में रखा जाए तो दाएं से चौथे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 15। 136 सुमन की पहचान करवाते हुए सरला बोली इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है माता। 137 राम श्याम से ऊंचाई पर राजन जितना नहीं है अर्जुन सोहन से ऊंचा है जो श्याम से छोटा है सबसे छोटा कौन है सोहन। 138 किसी निश्चित बिंदु से नरेंद्र पश्चिम में 8 किलोमीटर चला फिर दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला आखिर में वो दक्षिण पूर्वी दिशा में 25 किलोमीटर चला वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है इनमें से कोई नहीं। 139 यदि ए का मतलब प्लस और बी का मतलब माइनस सी का मतलब भाग तथा डी का मतलब गुणा हो तो 16A 4B 3C 4D 2 = हो जाएगा 18.5। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा N3OJ। इंग्लिश का क्वेश्चन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द 4 ऑप्शन ABC और D। रवि हिज मैरिड टू कजन ऑफ माइन। 142 कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन डैश इन विस्पर्स। 143 विद योर हेल्प आई कुड टाइट ओवर माई डिफिकल्टीज। 144 आई शेल स्टैंड बाय यू डैश थ्रो थिक एंड थिन। 145 द मिनिस्टर हैज प्रोमिस्ड टू लुक डैश अबाउट द मैटर स्पॉट द एरर आउट ऑफ 3 सेंटेंसेस ऑफ द सेंटेंसेस मार्क्ड ABCDO में दिए गए इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस मार्क्स डी को डिनोट करना तो आई एम टू ग्लेट इसका ई आ जाएगा ए इसका आ जाएगा आई रिस्पेक्ट हिम एज ही इज माई फादर नो इसमें ई है आई रिस्पेक्ट हिम ही इज माई फादर। 148 आई सॉ द टीचर सिटिंग ऑन ए डेस्क तो ये ऑन ए डेस्क नहीं इन द क्लास। 149 दिस रूम इज टू मच स्मॉल फॉर 6 पर्सन ये टू मच स्मॉल। द मर्डर वॉज ऑर्डर्ड टू हैंग्ड बाय द जज हैंग्ड बाय द जज ये इसमें चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 ऑप्शन ABCD विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन तो वर्थलेस आ जाएगा ऑब्जेक्ट और ड्रेथ इसका आ जाएगा स्केर्सिटी नादिर लोएस्ट पॉइंट ये रिप्लेनिश टू प्रोवाइड ए न्यू सप्लायर फॉर जस्ट गोस्टो। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स विच इंडिकेट्स द मीनिंग ऑफ गिवन इडियोमोफ्रेसिस टू रूल द रोस्ट इसका आ जाएगा टू डोमिनेट ब्राउन स्टडी इसका आ जाएगा डीप इन मिडनाइट टू बी इन डॉल्ड्रम्स इसका आ जाएगा टू बी इन ए लो स्प्रिट्स कंगार कोट अनऑफिशियल कोट। 160 एप्स में 160 टू कीप द पॉट बॉइलिंग इसका आ जाएगा टू मेंटेन इंटरेस्ट। 161 सोना शब्द का प्रत्यय है सुनार निर्भय कौन सा समास है द्विंद समास जिसमें यदि बोधक है
अरे, 164 क्रिया विशेषण है मन से, 165 रूढ़ी शब्द है सड़क, शुद्ध इसमें अनुशंसिक, अवनी का भी प्रतीक शब्द है अंबर, पृथ्वी का विशेषण है पार्थिव, 169 जिसका जन्म पहले हुआ हो इसका अग्रस, आँख में घटना होता है लालच होना। तो ये है क्लरिकल पोस्ट कोड 549, यहाँ इसका वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर करें।